सो है एवरीवन, दिस इज हर्षित। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में क्या बात करने वाला, आपने ऐसे टाइटल पढ़ लिया होगा। मैं बात करने वाला हूँ फाइव थिंग दैट यू शुड नो अबाउट NMIMS। सो बेसिकली मैं बताता हूँ, ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। बेसिकली ये चैनल में फैशन वीडियो वगैरह डालता था और ब्लॉग्स डालता था, लाइक डालता हूँ ऑब्वियसली। लेकिन मैंने एक वीडियो डाली थी रिलेटेड टू कॉलेजेस, लाइक क्राइस्ट और जितने भी कॉमर्स के कॉलेजेस थे लास्ट ईयर, जितने भी मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिए थे और सारे मैंने क्लियर किए थे। मैंने सोचा सब प्रोसीजर बताता हूँ, तो वीडियो अच्छी गई थी, अराउंड उस पर 8K व्यूज है। तो काफ़ी लोगों की क्वारीज आई, मतलब डाउट्स है कि क्या करना है कैसे। उसके सेकेंड पार्ट भी बनाया मैंने, उस पर भी काफ़ी लोग के DM सब। तो काफ़ी लोग ये बोल रहे कि भाई लाइक मैं NMIMS में राइट नाउ आई एम करेंटली अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट इंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स NMIMS एंड आई एम परसिंग BCOM ऑनर्स देयर। ओके, सो काफी लोग बोलते कि भाई एक बार पर्टिकुलरली NMIMS के ऊपर वीडियो बनाओ ना, तो मैं सोचा चलो बनाते हैं। तो ये है वीडियो। तो अभी मैं और भी बनाने की सोच रहा हूँ सीरीज की, जो जैसे एंट्रेंस एग्जाम आने वाले NMIMS का पर्टिकुलरली, क्योंकि क्या है कि जब मैं भी एंट्रेंस टेस्ट दे रहा तो NMIMS के बारे में मुझे कोई डिटेल नहीं मिल पा रही थी। क्राइस्ट के बारे में काफी डिटेल मुझे मिल गई थी और चैनल बता रहे थे, लेकिन NMIMS ऐसा कॉलेज था इसके बारे में डिटेल मुझे कहीं यूट्यूब वगैरह नहीं मिल रही थी जो कोई एक स्टूडेंट बता सके, जो काफी नॉलेज हो, इनसाइड नॉलेज। तो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी चीजें कि आपको मतलब जो NPAT उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है उनके लिए दूसरी वीडियो आएंगी। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी फाइव थिंग जो आपको अगर ज्वाइन करना है NMIMS उससे पहले पता होनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरली। मेरे को नहीं पता थी, मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता थी। अगर पता होगा तो और आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि आपको इस कॉलेज में नहीं जाना है या जाना है, जो भी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। स्टार्टिंग विद सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंपसेस की, काफी लोगों को पता नहीं होता। तो देखो, जब आप NPAT का भी फॉर्म फिल करते हो तो काफी प्रेफरेंसेस आती है कैंपस की, काफी कंफ्यूजन रहता है कि कौन से कैंपस अच्छे हैं कौन से अच्छे नहीं है। सबसे पहले बता दूं, देखो ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ मैं नारसिमुंजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बता रहा हूँ, जो कि होते हैं BBA, BCOM ऑनर्स या फिर BSc फाइनेंस होते हैं। ये सारे कोर्सेज एक ही जो उनका स्कूल है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स या फिर स्कूल ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड करता है। और एक और कोर्स मान लो जो है BSc इकोनॉमिक ऑनर्स, जो कि सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स है वो प्रोवाइड करता है। तो इनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई MBA वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले क्लियर कर लो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैंपसेस की बात की जाए तो उनके कैंपसेस हैं मुंबई में और नवी मुंबई, बैंगलोर एंड चंडीगढ़ में बन रहा है, इंदौर में है, एक धूले जगह है उधर और एक शेरपुर में है। लेकिन क्या हर जगह, देखो मैं बता दूं, सिर्फ कैंपस जो मुंबई का है वो वर्थ इट है, मेन मुंबई कैंपस ही है जो भी है मेन। उसके अलावा अगर और कोई बात, अगर सेकेंड प्रेफरेंस पूछोगे तो बैंगलोर ठीक है, मतलब बैंगलोर भी ठीक कहा जा सकता है। मुंबई के बाद जो कोई कैंपस आता है, बैंगलोर कैंपस आते हैं, उसके बाद तो फिर कोई वर्थ इट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कोई भी वर्थ इट नहीं। ऊपर से चंडीगढ़ वगैरह ढूंढे तो पता नहीं बने भी नहीं। शेरपुर में सिर्फ इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग और MBA शायद, मतलब कॉमर्स का तो है ही नहीं सीन उधर। हाँ, तो इसलिए बता दूं मुंबई वर्थ इट है और अपना बैंगलोर। उसके बाद अगर आपको कोई और अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो बैंगलोर जा सकते हो। ना जो टॉप कॉलेज माना जाता है वो है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स मुंबई का, ठीक है। और बाकी बैंगलोर या अभी मुंबई को अनिल सुरेंद्र मोदी नहीं कहा जाता, उधर स्कूल ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, तो नेम में भी डिफरेंस है। तो आप जो टॉप कॉलेज पढ़ते हो अनिल सुरेंद्र मोदी, वो सिर्फ मुंबई कैंपस में है, तो ये चीज़ आप जान लेना। इसमें क्या होता है, अगर आपका जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे मुंबई कैंपस है नहीं मिलता, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस दे देते हैं जिससे आप उधर ज्वाइन कर लो। लेकिन वर्थ इट नहीं है, सिर्फ पैसे वेस्ट हो रहे हैं, उसकी इतनी रेपुटेशन वगैरह नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको मुंबई कैंपस के बारे में पता चल गया, और जिनको पता था कि मुंबई कैंपस मेन है वो तो एक बिल्डिंग देखते होंगे जो कि ग्लास वाली होती होगी, और सबको वही लगता है कि इधर हम जाके पढ़ने वाले हैं, ये है लग्जरी। अगर हमने ये NPAT निकाला तो हम इधर जाके पढ़ेंगे, टॉप कॉलेज है, बिल्डिंग इतनी सेक्सी है, कैंटीन इतनी बड़ी है, फोटो में दिखता ही होगा, पूरा मॉइस लगता है। सो आपका जो एक भ्रम है वो तोड़ना चाह रहा हूँ मैं। ये बिल्डिंग सिर्फ MBA जो कि मास्टर्स कोर्स है MBA और एक BSc इकोनॉमिक ऑनर्स, तो अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ BSc इकोनॉमिक ऑनर्स के पास ही बिल्डिंग है। तो आप इकोनॉमिक ऑनर्स अप्लाई कर रहे हो, चिल सीन है, उस बिल्डिंग में जा रही हूँ। लेकिन जो मेन लोग ज्यादातर अप्लाई करते हैं, जो नंबर वन माना जाता है, नंबर वन नंबर टू जो है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, जिसमें मिलता है BBA, BCOM ऑनर्स, BSc फाइनेंस।
उसकी बिल्डिंग वो है ही नहीं, वो आप उसमें जाके नहीं पढ़ोगे। जो बिल्डिंग है वो है ये वाली जो कि व्हाइट कलर की है, जिसे मीठी भाई बिल्डिंग कहा जाता है, मीठी भाई भी कॉलेज है उधर। तो इस बिल्डिंग में एक फ्लोर है, बेसिकली एक फ्लोर दिया गया है हमें, जिसमें बीबीए बीकॉम बीएससी सबके जो स्टूडेंट्स होते हैं एनएमआईएमएस के उधर पढ़ते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे कॉलेज उधर ही लिंक्ड है, मीठी भाई हो गया, एक उषा प्रवीण गांधी है जो एमयू रिलेटेड, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज है मतलब, तो बाकी कॉलेज में कुछ होंगे लिंक मुंबई यूनिवर्सिटी से, कुछ नहीं होंगे, कुछ ऑटोनॉमस होंगे, मुझे इतना उनका आइडिया नहीं है। तो पहले बता दो बिल्डिंग स्कैम बुढ़ाता हूँ मैं और काफी स्टूडेंट भी, कि वो बिल्डिंग है ही नहीं जो आपको दिखती है। तो आप गलती से भी इस पे मत फंस जाना। काफी लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं सोच के आए थे कि हाँ इस बिल्डिंग में जाने वाले हैं, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं मिलेगी आपको। ऐसे तो हमें कोई बिल्डिंग नहीं मिली अभी फर्स्ट ईयर, तो जैसे अब सेकेंड सेम चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन ही हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जब आप लोग जैसे जो वीडियो देख रहे हैं वो अप्लाई करके पहुंचेंगे ना, जब मैं भी मतलब मैं या फिर जितने भी अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हम भी उस टाइम ही पहुंचेंगे कॉलेज पहली बार। फक यार क्या है ये, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। थर्ड पॉइंट जो कॉलेज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है अटेंडेंस का सीन। अटेंडेंस आपको देखो, अगर आप दिल्ली वगैरह से, आपको क्या लगता है अटेंडेंस का कोई चिल सीन है डीयू की तरह? डीयू और ये एनएमआईएमएस हो गया या क्राइस्ट हो गया, इनका बहुत अलग सीन है। क्राइस्ट की मैं क्यों बात करूँ, एनएमआईएमएस की करूँ, बहुत स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस में, 80% चाहिए, मतलब चाहिए, वो लिटरली एग्जाम में नहीं बैठने देते। मेरे को भी लगता था मजाक वजाक होगा, लेकिन वो आपको फिर से रिपीट करवाएंगे सेमेस्टर। तो अटेंडेंस अगर आप 80% नहीं कर सकते पूरी, तो ये कॉलेज मत ज्वाइन करो, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत गलत सीन होते हैं अटेंडेंस के रिलेटेड। तो अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, लिटरली काफ़ी लोगों को एग्जाम नहीं देने दिए गए हैं। तो देख लेना, अगर आप अटेंडेंस के लिए हो कि आप आ जाओगे, तभी आप अप्लाई करो, तभी आप पढ़ो, एमपैट के लिए क्लियर करो। तो अटेंडेंस का अगर आप सीए वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी बहुत चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, आप सोच रहे हो कि आप नहीं जाओगे कॉलेज, ऐसे ही लोग बोलते हैं अटेंडेंस, लेकिन इधर है स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सीन है इधर। तो 80% मतलब हर रोज आपको आना पड़ेगा ऑलमोस्ट, मतलब मैं बताता हूँ पूरी डिटेल बता रहा हूँ। तो 60 लेक्चर्स होते हैं पर सब्जेक्ट, जैसे एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 60 लेक्चर में से आप सिर्फ 12 लेक्चर्स मिस कर सकते हो, जब आपको 48 लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, तो समझ लो। लेकिन ये कि कॉलेज ज़्यादा टाइम में नहीं होता, जैसे अपनी फर्स्ट ईयर की जो मेरी क्लासेस होती है वो ऑनलाइन, जैसे जो वैसे भी ऑफलाइन, तो 12:30 से 5 होती हैं, ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स। और अगर सेकंड थर्ड ईयर की बात करें तो 7:30 से 12 होती है, तो वही 4 मतलब वही ब्रेक होता है, 4 घंटे पढ़ना होता है, इतना भी नहीं होता। तो वो मैनेज अगर आप रेगुलरली आ सकते तो हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। लेकिन जो सोच के आ रहे हैं कॉलेज ही नहीं जाना, ऐसी अटेंडेंस मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा, एग्जाम देने देंगे, पूछ जाओ मत आओ, लिटरली बताओ कि पैसे वेस्ट होंगे, एक सेमेस्टर ईयर वेस्ट होगा, सब बहुत पंगे हो जाएंगे, लाइफ में पूरे इश्यूज आ जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। ओके, सो ये चीज जानना बहुत जरूरी, ये सबसे ज्यादा डाउट था काफी लोगों के पास कि भाई मैथ्स, मैथ्स के बिना मैं, मैथ्स मेरे पास नहीं थी, मेरे पास एडिशनल में थी, तो मैथ्स के बिना मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं आ सकता? तो सॉरी टू से, लेकिन अगर आपके एनएमआईएमएस में आना है किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, चाहे वो बीएससी इकोनॉमिक ऑनर्स हो, चाहे बीबीए, चाहे बीकॉम ऑनर्स, चाहे बीएससी फाइनेंस हो, आपके पास मैथ्स कंपलसरी 12th में होनी ही चाहिए, मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। काफी लोग ये बोल रहे थे कि मेरे पास स्टैटिस्टिक्स, वो इकोनॉमिक्स वाली वो अलग हो जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, उसकी बात हो रही है, वो आपके पास होना चाहिए, इकोनॉमिक्स वाले की बात नहीं हो रही है, सबके पास होता है, मतलब कॉमर्स का जो स्टूडेंट है। तो अब क्या मैथ्स होना चाहिए, फिर स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है पूरा वो होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो एनपैट अप्लाई करने के लिए भी। आप अप्लाई मतलब अप्लाई तो हाँ अप्लाई के लिए भी अप्लाई आप कर दोगे, एग्जाम क्लियर भी कर लोगे, तो आपके पास अगर मैथ्स में मार्कशीट में नहीं है या फिर स्टैटिस्टिक्स, तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो ये चीज आप देख लेना। अब काफी लोग देखो, लास्ट ईयर तक मैथ्स एक ही टाइप का था, अब इस बार अप्लाइड हो गया, शायद दो टाइप के मैथ्स आ गए, तो एक दो लोग पूछ रहे कि भाई ये वाला अप्लाई क्या है। तो टू बी ऑनेस्ट, अभी उसके बारे में तो कुछ मुझे भी आइडिया नहीं है। मेरे को अभी वैसे एनपैट के फॉर्म आ गए, एनपैट रिलेटेड भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, स्पेसिफिकली कैसे क्लियर करना है, क्या पढ़ना है, फिलअप फॉर्म वगैरह क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए। तो आप बताओ कमेंट में कि मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, मतलब इस वीडियो पर रिस्पॉन्स देखो अच्छा मिलता है तो बनाऊँगा मैं, सोच तो रखा है। हाँ, तो आप ये चीज़ देख लेना कि मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स नहीं है तो आप अभी छोड़ दो, फिर आप क्राइस्ट देख लो, सिम्बायसिस देख लो, उधर मैथ्स कंपलसरी नहीं होता है, बाकी शहीद सुखदेव हो गया या एनएमआईएमएस हो गया, उधर कंपलसरी है मैथ्स। चलिए ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि फिफ्थ। अगर आप सोच के आ रहे हो कि आप रहने वाले हॉस्टल में, तो हॉस्टल तो भूल जाना, कि जो एनएमआईएमएस का हॉस्टल है वह बहुत घटिया है, उसके पता है वो
3 लाख लेते हैं पहली बात हॉस्टल फीस, इतना घटिया हॉस्टल। तब मैंने तो, मैं इतने सारे लोगों से कॉलेज में जानता हूँ, तो कोई हॉस्टल नहीं ले रहा। आपको पीजी लेना पड़ेगा, फ्लैट लेना पड़ेगा, हॉस्टल कोई भी नहीं ले रहा। क्योंकि सीरियसली एनएमआई हॉस्टल सक्स, तो हॉस्टल का भूल जाओ, हॉस्टल का ये एनएमआई में तो ऑप्शन देखना भी मत। आप प्राइवेट हॉस्टल आपको देखना है तो आप देख सकते हो, जैसे उधर मुंबई में यूथ विल है या फिर बहुत सारे हॉस्टल हैं सर, तो मेरे को याद नहीं, स्टूडेंट हाउसिंग करके हैं, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन जो NMIMS का जो पर्टिकुलर कॉलेज हॉस्टल होता है वो बहुत ज़्यादा घटिया है। लाइक जैसे क्राइस्ट का हॉस्टल अच्छा था, सिम्बायसिस का भी एवरेज है, लेकिन इसका हॉस्टल बिल्कुल वर्थ इट नहीं। फीस एक तो 3 लाख भाई साहब, मतलब सी मुंबई में चीज़ महंगी, अगर आप नॉर्मल पीजी वगैरह लोगे तो ठीक है इतना आ जाएगा, लेकिन वो अच्छी जगह आपको मतलब अच्छी मिलेगा, ये बहुत घटिया हॉस्टल है, बिल्कुल रद्दी कहूँगा मैं। और फीस ले रहे 3 लाख तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप अगर सोच रहे मुंबई आ रहे हो, आपके पेरेंट्स को लगे कि हॉस्टल में जाने वाले हो, तो पैसे क्लियर कर लो कि हॉस्टल तो आपको नहीं मिलना, मतलब कोई वर्थ इट नहीं है। आपको फिर जबरदस्ती रहना है, फिर आप छोड़ दोगे, मोर प्रोबेबली 1 or 2 months रहोगे, उससे ज़्यादा नहीं रह पाओगे। अगर कोई रहता भी नहीं है उधर तो आपके फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं रहने वाले मोस्ट प्रोबेबली। तो बस इतने ही चीज़ें मुझे बतानी थी जो मेन पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए कॉलेज मतलब अप्लाई करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले। सो आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। कोई आपको और भी डाउट हो तो कमेंट में ड्रॉप कर दो, इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो, आपको मेरा यूजर नेम जो है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। और मैं ऐसी वीडियोज मतलब रिलेटेड NMIMS सारे, क्या प्रोसीजर्स, कैसे एग्जाम निकालना है और भी क्या चीज़ें हैं NMIMS में, क्या मतलब सारी मैं चीज़ें बनाने की सोच रहा हूँ। आप बताओ कमेंट में कि बनाऊँ ना बनाऊँ, इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखूंगा। और आपको अच्छी लगी तो लाइक करें मेरा मन जाना प्लीज। एंड इफ यू एम नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बस अब मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ।